जहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वो हमें भी आरोप लगे हैं कांग्रेस में इमरजेंसी में कि लोकतंत्र खत्म किया। नहीं बोलना चाहिए था राहुल गांधी को जो कहा उन्होंने, बाहर तो जाना नहीं था, यहाँ तो उन रोकता है उनको कहने में, बाहर तो कहना ही नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत गुलाम नबी आजाद से। गुलाम नबी आजाद ने जब से गांधी परिवार पर निशाना साधा है, राहुल गांधी पर निशाना साधा, उसके बाद से कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन एक बार फिर गुलाम नबी आजाद का एक बयान सामने आया है और गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, दुनिया में सिर्फ एक ही फारूक अब्दुल्ला है। और जो उन्होंने बयान दिया है, उस बयान की अब चर्चाएं बहुत जोरों से हो रही हैं। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद इन दिनों अपनी किताब और गांधी परिवार पर किए जा रहे हमले को लेकर सुर्खियों में हैं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने दशकों तक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे फारूक अब्दुल्ला की तारीफ की। मौका था गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा आज़ाद की लॉन्चिंग का। मंच पर बोलते हुए आज़ाद ने कहा, दुनिया में सिर्फ एक ही फारूक अब्दुल्ला बना है, दूसरा कोई फारूक बना ही नहीं है। ये अपने आप में एक जीता जागता कश्मीर है। इसके बराबर हरफन मौला, मजाकिया और बेहतरीन दोस्त मैंने नहीं देखा। तो सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला की तारीफ करते हैं लेकिन गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं। हालांकि गांधी परिवार पर जब निशाना साधा फारूक अब्दुल्ला ने, तो पवन खेड़ा की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि इतने वक्त से आज़ाद हमारे साथ रहे लेकिन दगा जो किया, बेवफाई जो की, वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। केवल एक लालच के लिए, एक पद के लिए, बीजेपी एक मंत्री पद दे दे, इसके लिए एक बड़ा जो है उन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बीजेपी में जाने से पहले आज़ाद इस तरीके की बयानबाजी जानबूझकर कर रहे हैं ताकि बीजेपी में जगह और पक्की हो जाए। हालांकि पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा था, अपने दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। जब हम राजनीति में आए थे तो हमको यही सिखाया था कि अपने मुल्क से बाहर भी जाओ, ना अपने पॉलिटिक्स के बारे में कोई जिक्र नहीं जाता। मैं एज मिनिस्टर कई कंट्रीज़ में गया हूँ, एज जनरल सेक्रेटरी कई कंट्री, और वहाँ के मिनिस्टर बात निकलवाना चाहते हैं लेकिन हम हमेशा कहते हैं, नहीं हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दूसरे देशों में, हम को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ डिवाइडेड कंट्री, इसलिए जहाँ लोकतंत्र है या नहीं है, वो हमें भी आरोप लगे हैं कांग्रेस में इमरजेंसी में कि लोकतंत्र खत्म किया। नहीं बोलना चाहिए था राहुल गांधी को जो कहा उन्होंने, बाहर जाकर बाहर तो जाना ही नहीं था, यहाँ क्यों रोकता है उनको कहने में, बाहर तो कहना ही नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। तो देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एक और जहां पवन खेड़ा कुछ राजनीतिक पार्टी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से जुड़े नेताओं और गांधी परिवार पर जिस तरीके से वो निशाना साध रहे हैं, ये जाहिर तौर पर बताता है कि वो ये कहना चाहते हैं या वो समझाना चाहते हैं कि बीजेपी में रहकर वो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के खिलाफ जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार है। और अगर बीजेपी में कोई बड़ी जगह गुलाम नबी आज़ाद को दे दी जाती है तो क्या वाकई वो इसी तरीके से मैदान में उतर कर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।